स्मृति ईरानी का नाम भारतीय राजनीति में जाना माना नाम है और इस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी का नाम उन राजनेताओं में शामिल है जो बिना किसी डर के अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं। वहीं हम सब लोगों को पता भी है कि स्मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले टीवी जगत में एक अभिनेत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में स्मृति ईरानी के फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ टीवी जगत की दुनिया से राजनीतिक तक का सफर के बारे में बताएंगे। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1977 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा का जहां एक पंजाबी परिवार से ताल्लुकात है, वहीं इनकी मां शिबानी एक बंगाली परिवार से आती थी। स्मृति ईरानी तीन बहनों में सबसे बड़ी हैं। अब बात करते हैं इनके शिक्षा के बारे में, तो दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हॉली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की, जबकि उन्होंने अपनी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की है। अब इनके अगर परिवार की बात करें तो स्मृति ईरानी ने 2001 में अपने बचपन के दोस्त जुबिन ईरानी से विवाह किया। जुबिन ईरानी एक व्यापारी हैं और स्मृति ईरानी के साथ उनकी ये दूसरी शादी है। वहीं इस शादी से इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम जौहर है और लड़की का नाम जोइस है। अगर बात करते हैं इनके अभिनेत्री करियर के बारे में, तो स्मृति ईरानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली शहर छोड़कर मुंबई शहर 1990 के दशक में चली गई थी। मुंबई में स्मृति ईरानी ने 1998 में फेमिना मिस इंडिया सुंदरता प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि वो इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाई, मगर उन्होंने शीर्ष फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। स्मृति ईरानी गायक मीका सिंह के साथ एक गाने में भी नजर आई थी। लेकिन स्मृति ईरानी को सही पहचान एकता कपूर द्वारा बनाए गए नाटक क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मिली है। इस नाटक में स्मृति ईरानी ने तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया था। ये नाटक लोगों को बेहद पसंद आया था। ये नाटक 3 जुलाई 2000 से लेकर के 6 नवंबर 2008 तक चला था। वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाटक के अलावा स्मृति ईरानी ने और भी कई सारे नाटकों में अपना अभिनय दिखाया है, जैसे क्या हादसा क्या हकीकत, रामायण, मेरे अपने इत्यादि। इतना ही नहीं, इन्होंने बंगाली, हिंदी और तेलुगु भाषा की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। हम बात कर लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में, तो स्मृति ईरानी ने साल 2003 में अपने राजनीति में कदम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना उचित समझा। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी के दादा आरएसएस के सदस्य थे। वहीं 2004 में स्मृति ईरानी को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र युवा विंग के उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया और यहां से शुरू हुआ स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर आज एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। अपने इस 19 साल के सफर में स्मृति ईरानी ने पार्टी के तरफ से दी गई कई सारी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। इतना ही नहीं, साल 2014 में देश में हुए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के उस समय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध स्मृति ईरानी को खड़ा किया था। हालांकि इस चुनाव में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से हार मिली थी, लेकिन बीजेपी को इन चुनाव में मिली जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। यदि बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में, तो स्मृति ईरानी से जुड़े विवादों की सूची काफ़ी लंबी है। स्मृति ईरानी को अक्सर उनके फैसलों और दिए गए बयानों के चलते कई बार विवादों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको स्मृति ईरानी से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद के बारे में बताते हैं। साल 2004 में स्मृति ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ देना चाहिए। स्मृति ने गुजरात दंगों को लेकर कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं स्मृति के इस बयान से पार्टी काफ़ी नाराज भी हुई थी और पार्टी ने स्मृति को अपना बयान वापस लेने को कहा था, जिसके बाद स्मृति ने पार्टी की कार्यवाही से बचने के लिए यह अपना बयान वापस लिया था। दोस्तों, यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।